बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये सुबह के वक्त का अमल है और ये अमल एक दुआ की सूरत में है और इस दुआ को आपने सुबह के वक्त सिर्फ एक बार पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह पाक आपके उस दिन के सारे काम संवार देंगे, उस दिन के कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ताला काम आसानी से तय होते चले जाएंगे और आपके सारे दिन के काम बनते चले जाएंगे। अमल बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है कि तहज्जुद के वक्त से लेकर जब सुबह हो जाए, सूरज निकल आए, तो आप उस वक्त एक बार इस दुआ को पढ़ लें। या तो आप तहज्जुद के वक्त जब आप तहज्जुद पढ़ लें और सुबह का वक्त करीब हो, फजर की अजान से पहले आप ये दुआ पढ़ सकते हैं और फिर फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो उस वक्त भी आप एक बार ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये दुआ आप अगर चाहें तो सुबह के वक्त 11 बार भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी इस्तेदात के मुताबिक है, वक्त के मुताबिक है कि जितना आपके पास वक्त है, इस्तेदात है, आप में हिम्मत है, आप इसको 11 बार पढ़ लें। लेकिन आप इंशाल्लाह ताला अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको उतनी ही बरकत इस दुआ की मिलेंगी जितनी के 11 बार पढ़ने से मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला सारा दिन आप शैतान के शर से भी महफूज रहेंगे और अल्लाह पाक आपके कामों में आसानी पैदा करते चले जाएंगे। वो दुआ कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। तो इस मुबारक दुआ को अगर आप रोज़ाना के मामूल में सुबह के वक्त एक बार पढ़ लें, चाहे आपने घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना, ख़वातीन ने भी चाहे घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना, लेकिन आप सुबह एक बार इस दुआ को पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे अल्लाह पाक आसानियां पैदा करते चले जाएंगे और जब आपके रोज़ाना के काम संवरने शुरू हो जाएंगे तो आप खुद ही देखें कि मसाइल कैसे ख़त्म हो जाएंगे। सुभानअल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से एक मुख्तसर सी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम काम संवार दे, अल्लाह पाक हमारी तमाम ज़िंदगी के कामों की रुकावटों को ख़त्म फरमा दे, अल्लाह पाक हमारे हाल अखवाल पर रहम फरमा दे, अल्लाह पाक हमें किसी का मुख्ताज ना करे, अल्लाह पाक हमें बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह पाक हमें बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक हमें जादू और नज़र बद के असरात से बचाए, अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे, अल्लाह पाक हम सब के छोटे बड़े तमाम मसाइल हल फरमा दे, अल्लाह पाक हम पे अपने रहम व करम की हवाएं चला दे, अल्लाह पाक हमारी तमन्नाएं जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।